हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का चैप्टर टू स्टार्ट हो गया है EEE 2 का, और इसमें हम आप चैप्टर टू में आपसे बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स को आपने अगर नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस है और यह चैप्टर भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों से एक बात करना है कि आप लोगों की अब यहाँ पे यूट्यूब पे जल्द ही क्लासेस समाप्त होने वाली है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यूट्यूब पे अब क्लासेस नहीं हो पाएंगी भाइयों। मैं आप लोगों से इस बात से थोड़ा वो हूँ कि अभी तो नहीं हो पाएगी, जैसे ही आप लोगों का ऐप पे क्लासेस ख़त्म होगी उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर्स को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग कोई भी स्टूडेंट मुझे कोई भी प्रकार का वो नहीं कर सकता है। जिन स्टूडेंट को पढ़ना है भाई, वास्तविकता में पढ़ना है, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर ही और सॉरी सिक्स सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं, यह आप लोगों का जो मार्क्स होगा ये सीधे आप लोगों के किस पे जो आप लोगों की फाइनल मार्क्सशीट होगी उस पे ऐड होना है, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों ने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को पढ़ा है वो सारी चीज़ें नहीं लिखने वाली हैं। इनको अच्छा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लें, आप लोगों के जो मार्क्सशीट हैं उस पर अच्छा खासा नंबर दिखे, बैक न दिखे। अगर बैक दिख गया भाई तो आप लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो सीधे ही आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि 199 रुपये क्या है भाई, 200 रुपये क्या है आज के ज़माने में, मुझे तो कुछ नहीं लगता। 4 दिन की सब्जी आ जाती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि 50 रुपये लेके जाएंगे तो मार्केट में जाइए आप लोग सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, 50 रुपये कम पड़ जाता है। तो आप लोग 4 दिन की सब्जी को यही समझ सकते हैं कि 4 दिन की सब्जी आ जाती है मेरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो सच्चाई है, ठीक। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि चल रहे कोर्सेज को आप लोग जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारे सिलेबस को समाप्त कर दिया गया है। चैप्टर टू भी आप लोगों का वहाँ पे एंड होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अर्थिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा मोटो आप लोगों को किसी प्रकार का आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है भाई कि सर बहुत ही ऐसे हैं वैसे हैं। मैं भाई एकदम आपकी आपके ही बीच से आया हुआ हूँ, एक भाई मतलब मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं भी इन सारी चीज़ों को यार पढ़ने के लिए जब 200-300 रुपये देखना होता था मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखता था, तुरंत जो होती थी। अभी मैं अपने आप अपने मोबाइल के ऐप में दिखाऊंगा, अपने मोबाइल के ऐप्स को दिखाऊंगा, मेरे पास 4-5 कोर्सेस हैं, ठीक है। 4-5 कोर्सेस का मतलब यह है कि 4-5 जैसे हमारा KD कैंपस हो गया, करियर विल हो गया, आप लोगों का EAD हो गया, और धुरीना को जानते हैं जो क्या नाम है उनका, मैथ मस्ती वाले जो सर हैं उनका लिए हैं। अरे यार बहुत 3-4 कोर्सेज को मैं ले लिया हूँ उनके, वो अब खान सर का भी एक ले लिया है हमने, पॉलिटी की क्लास बहुत ही अच्छे वे में पढ़ा रहे हैं इस समय। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए कि इन सारे पैसा मैटर नहीं करता, आप लोगों के एग्ज़ाम के आप मार्कशीट पे आप लोगों का जो नंबर है वो देखेंगे आप लोग कि अरे यार मेरा 49 नंबर है, 45 नंबर है, और किसी का 30 नंबर, किसी का 35 नंबर, इस प्रकार से मार्क्स होते हैं। तो अच्छा लगता है जिसके पास लेके जाएंगे आप लोग मार्कशीट दिखाएंगे तो समझेगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ा हुआ है और इसको एक बार चांस दिया जाए, तो इस प्रकार से अगला व्यक्ति सोचता है। अगर आपके मार्कशीट को ही देख के वो जानता है कि ये तो 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर से बैक पाया है तो इसको यार क्यों रखें हम। सब चाहते हैं कि मेरी कंपनी या फिर मेरा जो इंडस्ट्री है उसमें अच्छे वेल प्रिपेयर लोग आएँ, ठीक, अच्छे मतलब टैलेंटेड लोग आएँ, तो आपको क्यों रखेंगे, यही बात आप सोच लीजिए, उसके बाद आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार का ठेस पहुँचाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सर आप मेरा कोर्स को परचेस ही कर लीजिए, मैं इसके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, ठीक। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा, मम्मी पापा भी सोचेंगे कि अच्छे से पढ़ लिया मेरा बेटा, उनकी भी बहुत सारी आकांक्षाएँ होती हैं आपके प्रति, तो उनको आप लोग ठेस ना पहुँचाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग अपने तरफ से बहुत सारी कोशिशें करूँगा, बहुत सारे लेक्चर्स को आप लोग को यूट्यूब पर दूँगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अर्थिंग। अब दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अर्थिंग होता क्या है। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अर्थिंग हमारा किस लिए, किस पर्पस से करते हैं। सर आपने बताया था कि जब अर्थिंग किसी मोटर या जनरेटर का किया जाता है तो उसके हम शाफ्ट से क्या करते हैं, एक कंडक्टर को लेकर उसके शाफ्ट से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं
अर्थ कर देते हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जो हमारी शाफ्ट सॉरी जो हमारा स्टेटर जो बाहर वाला पार्ट होता है बॉडी के पार्ट को हम किस में अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे हो क्या रहा है सर कि जब हमारा किसी प्रकार का अनबैलेंस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारे स्टेटर में करंट आने लगी, उस स्थिति में होगा क्या है, अगर स्टेटर को हम टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है। तो अर्थिंग करने से हुआ क्या दोस्तों कि अर्थिंग करने से हमने प्रोटेक्शन को प्राप्त किया। प्रोटेक्शन किस प्रकार से, अगर हमने उस समय जब हमारे करंट उसमें फ्लो हो रही थी तो उस समय हम क्या करते हैं बॉडी को टच करते हैं तो हमें करंट लगता, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है। ठीक है, अब अर्थिंग को ध्यान में रखेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर होते हैं उसके न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं, कारखाना हो चाहे हमारा फील्ड इंडस्ट्री हो चाहे हमारी मशीन हो या उपकरण हो, उसके मेटलिक पार्ट को लो रेजिस्टेंस के वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल वायर को घरों कारखानों इंडस्ट्रियल फील्ड में तथा विद्युत मशीनों व उपकरणों के मेटालिक पार्ट को लो रेजिस्टेंस के वायर द्वारा अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। तो आशा करता हूं कि अर्थिंग सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग करने की आवश्यकताएं क्या क्या हुई। तो आप लोगों को एक चीज़ बारे में बताना चाहूँ कि अर्थिंग करने से बहुत सारे प्रोटेक्शंस हमारे पास हो जाते हैं। कैसा, आप लोग जानते होंगे कि आकाशीय बिजली के हमारे कंडक्टर्स में फ्लो होने से क्या हो जाता है, हमारी जो सर्किट होती है जल जाती है, पूरी तरीके से जल जाती है। क्यों, क्योंकि जो आप लोगों का आकाशीय बिजली होता है हाई वोल्टेज का होता है, उसमें पता नहीं चलता कितने वोल्टेज का होता है, कोई बता ही नहीं पाया आज तक। ठीक, तो वो क्या करेगी, अगर हाई वोल्टेज आप लोगों के सर्किट में फ्लो किया, जो भी आप लोगों के घरों में इक्विपमेंट लगे होंगे टीवी पंखा फ्रीजर जो भी लगा है सारे हमारे जल जाएंगे। तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हमने किया क्या भाई, अर्थिंग का प्रयोग कर लिया। ठीक, अब उससे होगा क्या, जैसे ही हमने हमारे घरों पर आकाशीय बिजली गिरी, हमने अर्थ किया हुआ है पूरे अपने सिस्टम को, तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो फ्लो होने वाली हाई वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है वो हमारा सीधा ग्राउंड हो जाएगा। अर्थ का रेजिस्टेंस आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अर्थ का रेजिस्टेंस क्यों कितना होता है, इसको आप लोग बताएंगे। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐप वाले स्टूडेंट को भी नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया हूं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे उसी के कारण क्या हो जाता है कि हाई जो वोल्टेज होता है वो अर्थ में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक, इस बात को हमारा पूरा सर्किट जो होता है बर्न होने से बच जाता है, यानी जलने से बच जाता है। ठीक, नीड्स ऑफ अर्थिंग यानी अर्थिंग की आवश्यकताएं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि संस्था के सभी उपकरणों के धातु भागों पर विद्युत क्षरण होने पर यदि कोई व्यक्ति उपकरण को टच करता है, यानी विद्युत क्षरण का मतलब है इलेक्ट्रिकल लीकेज होने पर क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति यानी हमारे जो इक्विपमेंट है उसको टच करता है तो उसको क्या लगता है, शॉक या झटका लगता है। इसलिए संस्थानों की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। ये आप लोग पॉइंट समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने मोटर की अर्थिंग की हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अर्थिंग करने से उपकरणों तथा अर्थ का पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो हमारा जो करंट है वो क्या हमें शॉक लगाएगा या नहीं लगाएगा। सिंपल सी बातें हैं, जब हमारा जीरो हो गया तो हमें करंट किस प्रकार का लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आकाशीय बिजली को भूमि में विसर्जित करने के लिए अर्थिंग करना आवश्यक होता है। यानी अगर अर्थिंग कर देते हैं तो जो आकाशीय बिजली होती है वो भूमि में क्या करती है, समाहित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। न्यूट्रल यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रल वायर से अर्थिंग करने से थ्री फेज सप्लाई में अनबैलेंस कंडीशन उत्पन्न नहीं होती है। यानी इस बात को ध्यान रखेंगे, अनबैलेंस कंडीशन हमारी उत्पन्न ही नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या एडवांटेज है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला हमारा पॉइंट तो यही हो जाएगा, ह्यूमन सेफ्टी बढ़ जाती है, ह्यूमन प्रोटेक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्या होता है, अर्थिंग करने से लीकेज करेंट अर्थ होने के कारण क्या होता है, उपकरण में जो लॉसेस होते हैं वो कम होंगे और उपकरण की प्रोटेक्शन हमारी बढ़ जाएगी, यानी सुरक्षा जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लीकेज करंट ज़्यादा होगा और लाइन में प्रोटेक्शन होगा तो उपकरण को बंद कर देगा। इतनी बातें आप लोगों को अर्थिंग से समझनी थी। ठीक है, तो एडवांटेज को भी जान लिया भाई, अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है अब
कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग होती हैं। कितने प्रकार की? बहुत प्रकार की अर्थिंग होती है, जैसी हमें ज़रूरत होगी उस प्रकार से हम अर्थिंग कर लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि जिस प्रकार से अर्थिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस प्रकार की अर्थिंग का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग में, इसमें 5 प्रकार की अर्थिंग दी हुई है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में जो आने वाले होंगे वो होगी रॉड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग, इन दोनों सॉरी पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, यही दोनों हमारे एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, यानी तीसरा और चौथा को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इसको 2-3 बार आप लोग बना भी लेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें अब देखो, इसमें आप लोगों को होगा कि नोट्स दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे या फिर ऐप पे आप लोगों के फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अर्थिंग निम्न प्रकार की होती हैं, वायर या स्ट्रिंग, वायर अर्थिंग को ही हम स्ट्रिप अर्थिंग भी कहते हैं। ठीक है, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉयल अर्थिंग, तो इतनी प्रकार की अर्थिंग है, इसमें हमें पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग को पढ़ना है। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे वायर अर्थिंग क्या होता है। तो वायर अर्थिंग में आप लोगों को इस प्रकार की अर्थिंग में देखेंगे, अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो 3 mm² या 6 mm² के कापर का GI वायर यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन तथा 25 mm × 1.6 mm कॉपर स्ट्रिप, या इसी को हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, 25 mm × 2 mm की GI स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप का उपयोग नहीं लाया जाता उपयोग में। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग कहाँ पे किए करते हैं। वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग हमें यही ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, इस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग पथरीली मिट्टी में किया जाता है या जहाँ जमीन खोदना कठिन होता है वहाँ पर हम वायर या स्ट्रिप अर्थिंग को यूज करते हैं। आप लोगों से मैं पूछूं कि वायर या स्ट्रिप अर्थिंग कहाँ यूज की जाती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में हाथ वाथ चलाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम रॉड अर्थिंग की बात कर लेते हैं। रॉड अर्थिंग कुछ नहीं होता है, इसका यूज हम रॉड अर्थिंग का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारी बालू टाइप की ज़मीन होगी, वहाँ पे हम किस प्रकार की अर्थिंग का यूज करेंगे, रॉड अर्थिंग का। तो इसका जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है उसको ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 16 mm व्यास की GI रॉड यानी GI गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड होती है उसका उपयोग किया जाता है। अब एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना होगा कि जो GI सर बोल रहे हैं ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग जानते होंगे आप लोगों के गाँव में या जो भी सिटी के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पोल के पास जाइए, जो पोल का सपोर्ट होता है नीचे, जो खंभा नीचे जो कंडक्टर गड़ा होता है वही होता है GI का। ठीक है, या फिर जो पूरा वो कंडक्टर लगा होता है जहाँ से हमारा इस प्रकार से कंडक्टर होता है, इस प्रकार की संरचना में जहाँ होता है, यहाँ पे एक इंसुलेटर टाइप लगा होता है, यहाँ से कसा होता है, ई वाला जो हमारा को होता है और इसको पूरा इस तरह तरीके से करके यहाँ पे कंडक्टर को जोड़ दिया जाता है, जमीन गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा होता है क्या, GI का पाइप। ठीक, या GI कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, या GI रॉड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया आप लोगों को ये कितना होना चाहिए भाई, तो ये हमारा यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 25 mm व्यास का या फिर 2.5 मीटर लंबा हमारा GI पाइप यूज किया जाता है। ठीक है, या हमारे दोनों डाटा में से कोई एक डाटा को यूज कर लेते हैं। ठीक, यानी हमारा कोई एक यूज होना होता है, तो इस प्रकार की अर्थिंग का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ बलुआ बालू जैसा जमीन होगा वहाँ पे उस अर्थिंग का प्रयोग कर लेंगे। किस प्रकार की अर्थिंग का, रॉड अर्थिंग का। स्ट्रिप या वायर अर्थिंग आप कहाँ यूज कर रहे थे, जहाँ पथरीली जमीन थी या जहाँ पे हमें जमीन को खोदना आसान नहीं होता है वहाँ पे हम किसका यूज कर लेते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग का। पाइप अर्थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली अर्थिंग है और यह सबसे सर्वोत्तम अर्थिंग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह अर्थिंग की सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, इसमें कम लागत पर पर्याप्त अर्थिंग प्राप्त हो जाती है, अर्थात इस विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी यहाँ पे हमारे कहने का मतलब यह है कि यह विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक, यानी यह विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक भाई, अब चलते हैं, यह अर्थिंग सस्ती भी होती है अन्य की अपेक्षा, यानी जो हमारी अभी आप लोगों को अर्थिंग पढ़ेंगे 5 अर्थिंग में सबसे सिंपल अर्थिंग या सस्ती अर्थिंग जो होगी वो कौन सी होगी, पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो इसको भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तब यहाँ पे बात करते हैं प्लेट अर्थिंग की। ठीक है दोस्तों, प्लेट अर्थिंग की बात करेंगे। प्लेट अर्थिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है इसको ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के अर्थिंग के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर आप लोग लगाते रहेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे 3.15 इस किसके लिए है, कापर के लिए। GI की जब बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो ये 3.15 mm है इसी को गुणा कर दीजिएगा 3 से। किस प्रकार से गुणा करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे ही नहीं मनमानी कर लेना है। 3 का गुणा करेंगे 2 में 6 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, इसका डबल होता है, यानी कापर का डबल कितना हो जाएगा,
GI हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये आप लोगों के नोट पॉइंट में होने चाहिए, ठीक है। प्लेट को क्या करता है, गड्ढा बनाकर जमीन की सतह में, सतह से कम 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर नीचे तक खड़ा एक गड्ढा खोदा जाता है या खड़ा गाड़ा जाता है, ठीक है। तथा इसे नमक व कच्चे कोयले की परतों से पाड़ दिया जाता है, यानी इसकी देखेंगे एक अल्टरनेट लेयर होगी, एक हमारी नमक की होगी, एक हमारी किसकी हो जाएगी, कोयले की अल्टरनेट लेयर होती रहेगी, ठीक है। यह अर्थिंग सर्वाधिक प्रभावी होती है, अतः सामान्य उपयोग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों क्वाइल अर्थिंग, क्वाइल अर्थिंग आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में बता दूँ कि लकड़ी के जो पोल्स होते हैं उन्हीं में ये क्वाइल अर्थिंग यूज की जाती है, ठीक है। उसमें अर्थिंग को प्रोवाइड कराने, अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए हम क्वाइल अर्थिंग का यूज कहाँ पे करेंगे, लकड़ी के पोल्स के जो PCC पोल होते हैं, PCC मतलब का फुल फॉर्म बताएंगे, मैं इतना नहीं बताऊँगा, इससे पहले जब मैं आप लोगों को पोल्स पढ़ा रहा था तो उसमें बताया हूँ, तो PCC का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। पोल हेतु विशेष प्रकार की अर्थिंग की जाती है जो क्वाइल अर्थिंग के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई, बहुत ही मेहनत लगता है और मेरा दम घुटने लगता है भाई। चलिए कुछ नहीं होगा भाई, अभी मैं ज़िंदा रहूँगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ इसके बाद हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे पाइप अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग को आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग जो थी उनको आप लोग ध्यान रखना है, एक दो बार लेक्चर्स को देख लेंगे, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को न समझ में आए, ठीक। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।